हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 9वें महीने में लड़का होने के ऐसे 3 से 4 सिम्टम के बारे में। 9वां महीना इतना कुछ सिम्टम आपको दिखा देता है, इतना कुछ चेंजेस आप में हो जाता है कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगा, लोग आपके घर में जड़ पड़कना करना चालू कर देते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को 9वें महीने में ही पता चल जाता है कि उनको लड़का या लड़की होने वाला है, क्योंकि 9वें महीने में बहुत सारी महिलाएं जड़ पड़क कर देते हैं, यानी कि आपकी खुद की घर की जो लोग रहते हैं वही लोग आपके बच्चे की जड़ पड़क कर देते हैं कि आपको क्या होगा, लड़का या लड़की। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम 9वें महीने में होने वाली ऐसे 4 बड़े बदलाव के बारे में। सबसे पहला, प्रेगनेंसी के दौरान 9वें महीने में लड़का कंसीव किए है तो आपका चेहरे का जो मतलब पिंपल्स झाइयाँ आपके चेहरे में भरपूर तरीके से आ जाएगा। अगर आप लड़का कंसीव किए है तो आपका चेहरा काला हो जाएगा, चेहरे में पिंपल्स, आपके चेहरे में झाइयाँ सब देखने को मिलेगा 9वें महीने में। सेकेंड सिम्टम, 9वें महीने के दौरान बच्चे के जो पेट के जो निचले एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेट का कड़क होना, दोस्तों एक कॉमन सिम्टम है, बहुत सारी महिलाओं में दिखाई देता है। जब 9वें महीना आप टच करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लड़का होने पर अक्सर महिलाओं में देखने को मिलता है। थर्ड सिम्टम, प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा वाइटनेस जाना, ये भी 9वें महीने में अक्सर महिलाओं को होता है, बहुत सारे महिलाओं में देखने को मिलता है। जब भी वो बेबी डिलीवरी करने के लिए जाते हैं उनके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा मतलब वाइटनेस जाता है। फोर्थ जो सिम्टम है वो है प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन। दोस्तों ये सबसे बड़ा जो साइन माना जाता है लड़का होने का, क्योंकि सारे महिलाओं के पैरों में सूजन नहीं रहता है प्रेगनेंसी में, लेकिन जो लड़का कंसीव करते हैं लगभग उनकी जो पैर में सूजन देखने को मिलता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गाइस लव यू, बाय।